नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एसी ट्रिपिंग प्रॉब्लम के बारे में। इससे पहले जस्ट एक वीडियो और बनाए हुए हैं जिसमें लो एम्पीयर के बारे में बताए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है कि एसी ट्रिप क्यों करता है। एसी ट्रिपिंग मतलब हो गया कि इंडोर चल रहा, आउटडोर बंद चालू हो रहा। विंडो से तो कंप्रेसर बंद चालू हो रहा लेकिन विंडो से चल रहा, ये चीज़ ये समझना है। फॉल्ट कैसे जल्दी पकड़िएगा पूरा आपको पिछला वीडियो में बताएं, इस वीडियो में भी समझ लीजिए। जब कभी इस टाइप से प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, एम्पियर चेक करना। एम्पियर जैसे ही चेक करिएगा आपको 50% समय बच जाएगा और एग्जैक्टली फॉल्ट भी मालूम पड़ जाएगा, एग्जैक्टली फॉल्ट है किस में। और आधा फॉल्ट आपको चेक करने से ही बच जाएगा आपको कि टाइम पास आपका नहीं होगा। का है ये समझिएगा, जब एम्पियर चेक करिएगा तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा ये नॉर्मल एम्पियर या लो एम्पियर पर ट्रिप कर रहा है या फिर हाई एम्पियर या अधिक एम्पियर पर ट्रिप कर रहा है कि नहीं। इस टाइप से आपको मालूम पड़ेगा। जब कभी ऐसा हो अगर नॉर्मल एम्पियर पर ट्रिप हो रहा या कम एम्पियर लेकर ऐसी ट्रिप कर रहा, जितना एम्पियर लेना चाहिए उतना ही एम्पियर पर आउटडोर बंद चालू हो रहा, इसका एक अलग वीडियो में पूरा बतलाए हुए हैं जिसमें 10 से 12 या 12 15 कारण बतलाए हुए हैं। तो 12 15 कारण है कि नॉर्मल एम्पियर पर ऐसी ट्रिप होने का, आउटडोर बंद चालू होने का। ये भी बतलाएँ कि अगर सिंगल कंप्रेसर ही बंद चालू हो रहा तो भी इसका कारण बतलाए हुए हैं। अब अभी जो बतलाने वाले इस वीडियो में हाई एम्पियर का सारा रीजन, अगर ऐसी हाई एम्पियर ले रहा तो क्या क्या कारण हो सकता है, ये सारा कारण आपको इस वीडियो में देखना। तो इसमें जो अगला वीडियो में बताया हुआ था सारा रीज़न आपको बताए हुए हैं अगर नॉर्मल एम्पियर लेने के रीज़न, कम एम्पियर में ट्रिप कर रहा तब। आगे अभी जो हम लोग चलने वाले हैं हाई एम्पियर क्यों लेता हूँ। चलिए तो इसमें ये अगर ऐसी हाई एम्पियर लेकर ट्रिप कर रहा तब क्या दिक्कत होगा, तो हम पहला पॉइंट क्या चेक करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं पावर सप्लाई चेक करेंगे। पावर सप्लाई जब चेक करेंगे तो पावर सप्लाई में क्या चेक करेंगे, तीन पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। हो सकता है वो हाई एम्पियर ले रहा मतलब हाई वोल्टेज आ रहा, लो वोल्टेज आ रहा, वोल्टेज अप डाउन आ रहा, उसको बोलते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन में आना, वोल्टेज कम ज़्यादा करके आना। इस कंडीशन में ऐसी हाई एम्पियर लेता है और आउटडोर क्या होगा बंद चालू हो जाएगा। स्टेबलाइजर का ख़राब होना माने पावर सप्लाई तो सही है लेकिन स्टेबलाइजर पर जब पावर सप्लाई गया तो उससे आउटपुट पावर सप्लाई सही नहीं निकल रहा, या जितना ज़्यादा गया उतना ज़्यादा निकल गया, या कम गया कम ही निकल गया, या फिर जा रहा सही वोल्टेज निकल रहा कम हो गया या अधिक होकर के, ऐसा भी होता है तो भी स्टेबलाइजर यहाँ पर ख़राब माना जाएगा या निकल ही नहीं रहा, निकल नहीं रहा तो इसी होने नहीं होगा, लेकिन निकल रहा लेकिन वोल्टेज सही जैसे निकलना चाहिए उतना मात्रा में नहीं निकल रहा, जिस कारण से क्या होगा ऐसी ट्रिप करेगा, तो ये दोनों पावर सप्लाई में आ जाएगा। अगला जो हम लोग चेक करने वाले हैं बैक प्रेशर। बैक प्रेशर चेक करने से हमको क्या मालूम पड़ेगा, गैस की मात्रा। आगे जस्ट हम लोग लिखे हुए हैं बैक प्रेशर के बाद रेफ्रिजरेंट चेक करेंगे, यानी रेफ्रिजरेंट मालूम पड़ जाएगा। अगर बैक प्रेशर कम या बता रहा है तो गैस कम है, लेकिन गैस कम है तो एम्पियर कभी भी ज़्यादा नहीं लेगा। अगर बैक प्रेशर ही अधिक बता रहा, गैस अगर ज़्यादा है एम्पियर ज़्यादा ले ही रहा और बैक प्रेशर भी अधिक बता रहा, इसका मतलब चांस है 99% गैस वहाँ पर अधिक है। अगर गैस अधिक है तो वहाँ क्या होगा हाई एम्पियर लेगा। कभी भी गैस अधिक भरने से ठंडा अधिक नहीं करता, गैस अधिक बढ़ने पर कंप्रेसर पर लोड अधिक पड़ता है, जिस कारण से कंप्रेसर क्या होगा ट्रिपिंग प्रॉब्लम आ जाएगा। अगला जो है आपका आउटडोर फैन मोटर का स्लो होना, या फैन मोटर मतलब आउटडोर के फैन ब्लेड चेक करेंगे। एग्जैक्टली बात करिएगा तो फैन मोटर के बारे में फैन ब्लेड चेक करेंगे, उसमें क्या होता है, होता फैन ब्लेड स्लो चल रहा या जम चल रहा, या फैन मोटर चल ही नहीं रहा, फैन मोटर खराब हो, या फैन मोटर का कैपेसिटर खराब हो। ये चार पाँच पॉइंट इसी पॉइंट में आ गया, यानी कि आपको टोटल 12 से 15 कारण बतलाएंगे, इसके अंदर में भी ढेर सारा पॉइंट है। जैसे एसी में आपको चार पॉइंट आ गया, ये चार पॉइंट भी आपको लिखना है ये चीज़। तो स्लो होना, जाम होना, कैपेसिटर खराब होना और मोटर का ही खराब होना, ये सारा कारण हो सकता है, जिस कारण से क्या होगा और कंडेंसर कॉइल का हीट रिजेक्ट नहीं होगा, जिस कारण से एसी हाई एम्पियर लेगा और हाई एम्पियर लेगा तो ट्रिप करेगा। आउटडोर का सर्विस नहीं होना, इससे जस्ट अच्छा आउटडोर सर्विस नहीं होगा तो क्या होगा, फिर वही बात होगा हीट को रिजेक्ट सही से नहीं करेगा और एम्पियर बढ़ जाएगा, यही कारण होगा हीट जमा हो जाएगा। जब लोड बढ़ेगा तो एम्पियर बढ़ गया, यानी कि आउटडोर ट्रिप हो जाएगा। आउटडोर वही लेके लिखे हैं यहाँ पे आउटडोर का सर्विस का नहीं होना। अगला पॉइंट चेक करेंगे तो लिखे हुए हैं आउटडोर इंस्टॉलेशन। तो आउटडोर का अगर गलत इंस्टॉलेशन है तो यहाँ पे क्या होगा ट्रिपिंग प्रॉब्लम आएगा। गलत इंस्टॉलेशन में ट्रिपिंग प्रॉब्लम कैसा, तो पॉइंट समझिएगा, हम ऐसा जगह आउटडोर रखे हैं छजा पूरा सटा करके, मानी छजा पर रख रहे हैं पूरा दीवार में सटा दिए, तो पीछे से हवा लेने जगह है नहीं, सही से हीट को रिजेक्ट करेगा नहीं करेगा,
या ऐसा जगह पर लगा दिए सामने में जगह ही नहीं है हीट को निकलने की जगह, हवा निकलने की जगह नहीं, ऐसा जगह पर लगा दी, बालकनी में लगा दी, अगर हवा निकलने की जगह नहीं है, हवा लेने की जगह नहीं है, तो वहाँ पर क्या हुआ? एसी ट्रिपिंग प्रॉब्लम आ जाएगा कुछ दिन बाद जस्ट। अगर नया एसी है तो कुछ दिन बाद क्या हुआ? ट्रिपिंग प्रॉब्लम ये आ जाएगा। आउटडोर का पूरा वायरिंग चेक करेंगे, तो वायरिंग की जगह चेक करेंगे तो वायरिंग अगर गलत कनेक्शन रहेगा तो एसी हाई एम्पीयर लेगा। रनिंग को स्टार्टिंग को रनिंग कर दिए, उल्टा पुल्टा कनेक्शन करेंगे तो एसी हाई एम्पीयर लेगा ही लेगा, तो आउटडोर ट्रिप करेगा। यहाँ पर कैपेसिटर चेक करेंगे, कैपेसिटर किसका? तो फैन मोटर का और कंप्रेसर का। अगर दोनों में किसी का भी कैपेसिटर कमजोर है या खराब है, इस दोनों कंडीशन में क्या होगा? एसी मेरा हाई एम्पीयर लेकर के चलेगा, जिस कारण से एसी मेरा क्या होगा? ट्रिप कर जाएगा। अगला जो पॉइंट रहेगा आपका दसवां पॉइंट, कंप्रेसर टर्मिनल का लूज होना या बार बार आपस में कभी शॉर्ट होना कभी नहीं होना, इस तरह से। तो कंप्रेसर का टर्मिनल अगर खराब रहेगा, लूज रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा, तो यहाँ पे एसी हाई एम्पीयर लेगा। ये भी आपको चेक करना, गर्मी के मौसम में ज़्यादातर ये ज़्यादा होता है, अधिक गर्मी जब रहेगा। बाहरी टेम्परेचर का ही अधिक होना, इसको बोलते हैं एम्बियंट टेम्परेचर का बढ़ जाना। अगर बाहरी गर्मी जो है, जैसे इस बार पटना में जो गर्मी हुआ लगभग 45-46 तक पहुंच गया, तो यानी नॉर्मल जो मार्केट में लगभग 80% एसी है वो 40-42 डिग्री सेल्सियस तक काम करने में सक्षम है, उससे अधिक गर्मी होने पर एसी का आउटडोर काम ही नहीं करता, बंद चालू होना शुरू हो जाता और सही ठंडा नहीं करता। वही एसी रात में जब 40 डिग्री नीचे रहता है रात में बहुत बढ़िया काम करता, लेकिन दिन में सही से काम नहीं करता। इसका सीधा से एक कारण है कि बाहरी जो गर्मी है वो अधिक है, अधिक गर्मी होने के कारण कंडेंसर कॉइल का हीट भी उतना रिजेक्ट नहीं हो पा रहा जितना बाहर गर्म हो जा रहा, इस कारण से एसी ट्रिप कर रहा। और अगला जो है कंप्रेसर का ही खराब होना, कंप्रेसर खराब होने से पहले जस्ट एक पॉइंट और समझना है, कंडेंसर कॉइल का फिंस का अधिक मुरा हुआ होना। कंप्रेसर खराब होना सबसे लास्ट टाइम रखेंगे, तो यानी कि कंडेंसर कॉइल जो रहता है उसका फिंस अगर काफ़ी मुर गया, माने कोई जेट पंप सर्विस का तिरछा वगैरह मार दिया, इससे क्या होगा? हीट सही से एयर फ्लो नहीं हो पाएगा, एयर फ्लो नहीं होगा तो हीट सही से रिजेक्ट नहीं होगा, जिस कारण से फिर से क्या होगा? एसी हाई एम्पीयर लेगा। वही अगर कंप्रेसर ही खराब है, कंप्रेसर खराब होने का मतलब क्या है? वो जाम है, कॉइल शॉर्ट हो गया है, इस सब कंडीशन में इसी में क्या होगा? हाई एम्पीयर लेगा, हाई एम्पीयर लेगा, रिले वहाँ पर कटअप कर देगा। अगर ओनली कंप्रेसर बंद चालू हो रहा है तो हाई एम्पीयर लेने पहले रीजन पता कर लीजिए, सारा रीजन सही है तो कंप्रेसर डायरेक्टली खराब है। कंप्रेसर चेक करने का सही तरीका भी बतलाया हूँ, आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी कंप्रेसर कैसे चेक करेंगे, टोटल 5-6 तरीका बताया है, और इन्वर्टर एसी जो UBW कंप्रेसर होता है उसको टोटल कैसे चेक करेंगे, तो उसका 7 तरीका बताया है। तो वीडियो लिस्ट में जाकर आपको चेक करना, वीडियो को सर्च मारना कहाँ पर एग्जैक्टली वीडियो है, आपको मिल जाएगा वीडियो, और उसको भी पूरा तरीका से देखना ताकि कंप्लीट आपको समझ में आएगा कंप्रेसर सही है या खराब है, ये पूरा चीज़ आपको चेक करना, ये सारा कारण है। तो वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कुछ भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।